हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंजुम निटिंग। आज हम ये बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही इजी पैटर्न लेकर आए हैं। ये हमने नीचे से बॉर्डर बना लिया था, यहाँ से फिर हमने राइट साइड से उल्टा उल्टा बनकर कंप्लीट किया है। इसको हम जो दूसरा कलर ऐड करेंगे तो यहाँ पे रॉन्ग साइड से यहाँ से हम दूसरा कलर अपना ऐड करेंगे, पैटर्न बनाएंगे। अब यहाँ पर हमने ये रॉन्ग साइड से हमने सीधा सीधा बुना था, फिर राइट साइड से हमने उल्टा उल्टा बुन लिया है इस कलर से, जो हमारा बेस कलर है पिंक कलर। फिर हमने रॉन्ग साइड से दूसरा कलर ऐड किया है, 3 3+1 करके फंदों में ये पैटर्न बनेगा। बहुत इजी, बहुत ही आसान है। आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, बच्चों के लेडीज़ में, कार्डिगन में, जैकेट में, कोटी में, किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। आप इस पर टॉप अप बना सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल बनकर आएगा। ये हमने फंदे डाल रखे हैं, इसको हम फर्स्ट रो में उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे। राइट साइड से ये हमने उल्टा उल्टा 1 रो बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम राइट साइड से बनाएंगे रॉन्ग साइड से दूसरी सिलाई, तो दूसरी सिलाई में यहाँ पर हम दूसरा कलर ऐड करेंगे अपना, जिससे हमें फ्लावर बनाना है। तो यहाँ पे दूसरा कलर जब हम ऐड करेंगे तो एक फंदा इस तरह से स्टिच कर लेंगे, फिर यहाँ पे दूसरा वाला फंदा हमने स्लिप कर लेना है, एक फंदा स्लिप करेंगे। अब यहाँ पर 3 फंदों को हम 2 बार धागा लपेट के बनाएंगे, 1 2 2 बार धागा लपेटेंगे, फिर हम वही रिपीट करेंगे दूसरे फंदे में, 1 2 2 बार धागा लपेट के बनाएंगे। अब तीसरा फंदा भी ये वाला इसी तरह से बुनेंगे, 1 2 2 बार धागा लपेट के हमने 3 फंदा बुन लिया है। अब एक फंदा स्लिप करेंगे, यही हमें 4 फंदे बार बार रिपीट करने हैं। फिर हम वही एक फंदे में 2 बार धागा लपेट के बुनेंगे, 1 2 बार धागा लपेटेंगे, 2 फिर 2 बार धागा लपेटेंगे, 3 फिर एक फंदा हम स्लिप करेंगे, फिर वही रिपीट करेंगे, 2 बार धागा लपेट के 3 फंदों में बुनेंगे। यही हमने सेकेंड रो बुनकर कंप्लीट करना है। अब हम आते हैं राइट साइड थर्ड रो। थर्ड रो में ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर थर्ड रो में एक फंदा ये जो हमने स्लिप किया है इसको स्लिप कर लेंगे, इस तरह स्लिप करेंगे। अब ये जो 2 बार धागा हमने लपेटा था इसको हम इस तरह से खोल लेंगे, खोलने के बाद 3 फंदों को हम पैक लुक से इस तरह से स्टिच करेंगे, 1 धागा अपनी साइड लाएंगे, फिर इस तरह से पीछे से एक बार सीधा स्टिच करेंगे, बैक लुक से ही बुनना है। एक फंदा ये वाला स्लिप करेंगे, अब फिर 3 फंदों को हम खोलेंगे, 1 2 3 3 फंदों को खोलने के बाद फिर इसको हम लेफ्ट वाले में करेंगे। अब बैक लुक से एक फंदा सीधा स्टिच करेंगे, धागा अपनी साइड लाएंगे, फिर बैक लुक से सीधा बुनेंगे। तो ये हमारा 3 फंदों में 3 फंदा ही बनकर आएगा। फिर एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर 3 फंदों को हम खोल लेंगे, फिर यहाँ पे बैक लुक से एक फंदा सीधा स्टिच करेंगे, धागा अपनी साइड लाएंगे, फिर हम सीधा ही बुनेंगे, फिर एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर यही हमें रिपीट करना है। 3 फंदों को खोल लेंगे, खोलने के बाद 3 फंदों को बैक लुक से 3 फंदे में 3 फंदा ही बनाना है। धागा अपनी साइड लाएंगे, फिर एक बार स्टिच करेंगे, 3 फंदों में 3 फंदा बन गया, एक लास्ट वाला स्लिप कर लेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये फ्लावर बनकर हमारा देखिए कितना ब्यूटीफुल आया है, छोटा छोटा इस तरह से बनकर आएगा। ये लाइट कलर है तो इसमें आपको पता ही नहीं चल रहा अच्छे से, ये देखिए इसमें दोनों कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है, तो ये फ्लावर बहुत ही प्यारा दिख रहा है बनकर। फिर हम रॉन्ग साइड से बुनेंगे 4 रो। 4 रो में 4 रो में हम दूसरा कलर अब ऐड करेंगे, तो यहाँ पे जितने भी फंदे हैं सारे फंदों को अब हम ब्लू कलर से ही बुनेंगे, बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। उल्टा ही बुनेंगे, जब रॉन्ग साइड से बुनेंगे दूसरा कलर ऐड करके तो हम उल्टा बुनेंगे, फिर जब राइट साइड से आएंगे तो इसको राइट साइड से भी उल्टा ही बुन लेना है, फिर रॉन्ग साइड से दूसरा कलर ऐड करके फिर दूसरा फ्लावर जब बनाएंगे तो यहाँ हमें चेंज नहीं करना है, उसी पे हमें जस्ट उसी पे बना लेना है। सारा हमने उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लिया। अब हम फिर आएंगे राइट साइड पे, तो यहाँ पर राइट साइड में उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्लावर हमारा कितना ब्यूटीफुल बनकर आया है, छोटा छोटा। ये देखिए आप बच्चों के स्वेटर में अप्लाई करेंगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल बनकर आएगा। अब यहाँ पर हम बुनेंगे ब्लू कलर से, तो ये वाला दूसरी सिलाई है, दो दो सिलाइयों पे हमारा कलर चेंज होगा, तो ये हम उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। सारे फंदे उल्टा बुन लेंगे राइट साइड से,
ये हमने फिर बुन लिया है, ये दो सिलाई कंप्लीट कर लिया है ब्लू कलर से। फिर हम रॉन्ग साइड से जब स्टार्ट करेंगे फिर यही वाइट कलर लगाएंगे, फिर उसी तरह से पैटर्न बनाएंगे। देखिए कितना ब्यूटीफुल फ्लावर छोटा छोटा बनकर आया है, ये इसमें आप देख सकते हैं, ये आप इसको बच्चों के सेट में अगर अप्लाई करेंगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल बनकर आएगा। आप इसे ऑल ओवर भी बना सकते हैं, कैप में, सॉक्स में, हर जगह इसको डाल सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको इसी तरह से नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एक और वीडियो मिलूंगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।